आज आपका नॉन वेजिटेरियन का फर्स्ट डे, अपन स्टॉल द वर्ड सीखते हैं। पहले स्टॉल में हम आपको कंपनी बनाना बता देते हैं। टैली ओपन करने के लिए अगर आपको डेस्कटॉप पे टैली मिल जाती है तो आप यहीं से टैली नाइन ओपन कर लेते हैं। देखिए अभी आपको यहाँ पे सो रहा है टैली नाइन, आपको डेस्कटॉप पे मिल जाता है तो आप यहीं से डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे नहीं मिलता तब आप विंडो बटन क्लिक करते हैं और सर्च बार में आप यहाँ पे टैली सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टैली नाइन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो टैली इस टाइप से आपकी ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें क्या करते हैं, टैली में एस्केप की का यूज़ करते हैं। आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक कंपनी ओपन हो जाएगी। ये वो कंपनी रहती है जो पहले से टैली में बनी हुई है। देखिए अभी आपन ने जब यहाँ पे टैली ओपन की, अपन ने एस्केप की का यूज़ किया, आपके सामने यहाँ पे एक कंपनी ओपन हो गई जो कंपनी इसमें पहले से बनी हुई थी। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर में टैली फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है और उसमें कुछ भी अपन ने कंपनी नहीं बनाई, तब आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कंपनी बनी ही नहीं, इसमें बनी है। तो जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करेंगे इसमें एक कंपनी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप पहचानेंगे कैसे कि आप कंपनी के अंदर हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा रहा है। और अभी अपन जहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे, ये ऑप्शन आपको मिलता है कंपनी के अंदर। अब अपन तो इस कंपनी से बाहर जाना है क्योंकि अपन तो अपनी कंपनी क्रिएट करना है। तब आप प्रेस करें अल्टा के साथ F1, अल्टा प्लस F1, तो आप कंपनी से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए नेम ऑफ कंपनी में आपको कंपनी का नाम शो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब अपन कंपनी से बाहर। अब देखिए अब आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, कंपनी इन्फो। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट कंपनी, इसके ऊपर क्या आ रहा है सिलेक्ट कंपनी। अभी अपन को कंपनी क्रिएट करना है तो अपन सिलेक्ट करेंगे क्रिएट कंपनी। अगर आपने कंपनी क्रिएट कर ली है उसी कंपनी को आपको फिर से ओपन करना है, तब आप सिलेक्ट कंपनी का यूज करते हैं कंपनी सिलेक्ट करने के लिए। अभी अपन को कंपनी क्रिएट करना है तो अपन जाएंगे क्रिएट कंपनी, इसकी शॉर्टकट की होती है सी, जो आपको रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है वो उसकी शॉर्टकट की है। आप सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट कंपनी पे पहुंच जाएंगे। नहीं, सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे डायरेक्टरी शो करवा रहा है कि आपका टैली का डेटा सी ड्राइव में टैली नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर है जहाँ अपना टैली का डेटा सेव हो रहा है। देखिए बता रहा है सी ड्राइव, फिर टैली नाम का फोल्डर, फिर डेटा नाम का फोल्डर है जहाँ अपना टैली का डेटा सेव हो रहा है। एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ डालेंगे स्कूल का नाम, अपन नाम डाल देते हैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल। ठीक, आपने यहाँ पे नाम लिखा, एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में वो नाम आता है, क्या हो गया ये कुछ बोल रहे थे ना नरिये, मेलिंग नेम में वो नाम आता है जो नाम आप स्टूडेंट की स्लिप वगैरह पे प्रिंट करना चाहते हैं, वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम नाम भी रह सकता है, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल। एंटर करेंगे, फिर यहाँ आप डालेंगे एड्रेस। अभी अपन यहाँ एड्रेस डाल रहे हैं विदिशा, लेकिन जब आप किसी स्कूल में वर्क करते हैं तो यहाँ पे आप उस स्कूल का पूरा एड्रेस टाइप कर देंगे। एंटर करेंगे, एड्रेस के नीचे यहाँ आप डालेंगे मोबाइल नंबर, एंटर करते हैं, फिर एंटर करते हैं। अब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंट्री, यहाँ आप मोबाइल नंबर टैप डालेंगे जब ये मोबाइल नंबर आप स्लिप वगैरह पर प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक, एंटर करेंगे, फिर यहाँ आप डालेंगे कंट्री, अपनी कंट्री क्या है इंडिया। एंटर करें, इंडिया में आप कौन से स्टेट में वर्क कर रहे हैं, MP में, तो आप प्रेस करें M। देखिए M नाम वाले हाईलाइट हो गए। अब अपन डायरेक्शन की से मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। फिर आप डालेंगे यहाँ पे पिन कोड, पिन कोड आप डालते हैं एड्रेस के हिसाब से। आपने एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट डाली हुई है विदिशा, तो पिन कोड आप डालेंगे विदिशा का, विदिशा का पिन कोड है 4 से 4 00 1। एंटर करेंगे, फिर आप डालेंगे यहाँ पे टेलीफोन नंबर, आपके स्कूल से जो भी टेलीफोन नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। क्लियर है क्या? ये जो लैंडलाइन वाला नंबर रहता है, नहीं इसमें पहले रहता है 07592, उससे या फिर नंबर रहता है 6 11 का रहता है। फिर एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ डालेंगे ईमेल आईडी, आपके स्कूल की जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। अभी अपन डाल देते हैं यहाँ पे excellence@gmail.com, और अगर अभी नहीं है तो अपन ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है करेंसी सिंबल। देखिए इसमें करेंसी सिंबल में क्या आ रहा है, RS, रुपीस आ रहा है, क्योंकि अपन ने कंट्री क्या सिलेक्ट की है इंडिया, नहीं स्टेट नहीं, कंट्री, कंट्री आपने क्या सिलेक्ट की इंडिया, इंडिया में क्या चलता है RS, करेंसी सिंबल RS रहता है।
अगर अभी आप यहाँ पे कंट्री चेंज कर देंगे, जैसे अपन ने कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर ली यूके, तो आप देखेंगे करेंसी सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आपने मलेशिया सिलेक्ट किया, देखिए चेंज हो रहा है। जो भी आप कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे करेंसी सिंबल आ जाएगा। अपने इंडिया में चलता है रुपीज आरएस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आरएस। फिर आपसे पूछ रहा है मेंटेन, आप मेंटेन क्या कर रहे हैं, अकाउंट ओनली या अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अकाउंट ओनली का मतलब होता है कैश का लेन देन, ऐसा बिजनेस जिसमें आप सिर्फ कैश का लेन देन करते हैं, मतलब कैश आता है और कैश जाता है। अभी अपन स्थूल में बात करेंगे, स्थूल में क्या होता है, सिर्फ कैश आता है और कैश जाता है। आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट ओनली। अब अकाउंट विद इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें आप कैश के साथ माल का लेन देन भी करते हैं, अकाउंट मतलब कैश और इन्वेंट्री मतलब माल, जिसमें आप कैश और माल दोनों का लेन देन करते हैं। आप लोग बिजनेस वाली पढ़ते हैं वो, उसमें आप क्या सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट विद इन्वेंट्री। उसमें अपन कहाँ वर्क करते हैं, फैक्ट्री में, शोरूम में, मॉल वगैरह में, वहाँ क्या होता है, माल और कैश दोनों का लेन देन होता है। लेकिन स्कूल कॉलेज इन सब में क्या होता है, सिर्फ कैश का लेन देन होता है, कैश आता है और कैश जाता है। तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट ओनली, मतलब ऐसा बिजनेस जहाँ सिर्फ कैश का लेन देन होता है वहाँ अकाउंट ओनली, जहाँ कैश के साथ माल का भी होता है वहाँ अकाउंट भी इन्वेंट्री। अभी अपन नॉन बिजनेस वाली पढ़ रहे हैं जिसमें आप स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में वर्क करना सीखेंगे, इसमें आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट ओनली, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश का लेन देन होता है, माल का कोई लेन देन नहीं होता। अपन सिलेक्ट कर लेंगे अकाउंट ओनली। फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमेशा रहता है 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। फिर यहाँ पूछ रहा है बुक बिगनिंग, आपके बुक आपके जो स्कूल की बुक है वो किस दिन ओपन हो रही है, फाइनेंशियल ईयर नहीं, वो न्यू ईयर अलग रहता है। जैसे आप देखते हैं सबका न्यू ईयर अपना अलग अलग रहता है, जैसे नॉर्मल इंग्लिश में अंग्रेजी लैंग्वेज के साथ जो चलता है वो 1 जनवरी, हाँ वो ही बता रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं, हाँ जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मल न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से। अब जैसे पंजाबी होते हैं, अलग हिंदू होते हैं, सबका अपना अपना न्यू ईयर रहता है, अलग अलग मनाते हैं, जैसे कोई गुरु पर्व से मनाता है, सबका अलग अलग रहता है। ऐसे ही जो बिजनेस का स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से होता है, बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फिर 31 मार्च से वो एंड हो जाता है। पूरा बिजनेस चलता है अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपकी बुक ओपन होगी 1 अप्रैल से, 31 मार्च तक वो बंद हो जाएगी, फिर न्यू स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल से। तो बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो 1 अप्रैल रहता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है बुक बिगनिंग, इसमें आप सेम डेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन अपने बिजनेस की बुक ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे आप वो डेट भी डाल सकते हैं। या यहाँ पे अगर आप वो डेट डालना चाहते हैं जिस दिन आपने अपना स्टॉल स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आप वो डेट भी डाल सकते हैं। आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन बुक ओपन हो जाती है, वो डेट भी डाल सकते हैं। या जिस दिन आपने अपना स्टॉल स्टार्ट किया है, स्टॉल का लेन देन तो उसी दिन से स्टार्ट होगा, तो वो डेट भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। एंटर करेंगे, फिर आपसे पूछ रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड, आप टैली से वॉल्ट पासवर्ड देना चाहते हैं, आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देंगे, अपन ने दिया 123, आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे रिपीट पासवर्ड का बोलेगा। अगर आप इसे यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं देते फिर आप एंटर करेंगे, देखिए रिपीट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, अपन ने लिखा 123, एंटर करेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, 123 एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, क्या आप सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड भी इसमें यूज करना चाहते हैं। अभी देखिए नो है, इससे नीचे कोई सा ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप ये पासवर्ड इसमें यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, जैसे ही आप इसे यस करेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप नहीं देना चाहते तो नो रखेंगे, फिर आपके सामने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे यस कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का नाम टाइप कर, मतलब जो भी यूजर नेम आप यहाँ पे देना चाहते हैं मन से आप यहाँ पे यूजर नेम डाल सकते हैं। अपन ने डाल दिया ICIC, बस आपको ध्यान इतना रखना है अगर आप यहाँ पे कैपिटल में डाल रहे हैं, जब आप कंपनी ओपन करेंगे वहाँ आप यूजर नेम डालेंगे, वहाँ भी आपको कैपिटल में डालना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने स्मॉल में डाला है तो वहाँ भी आप स्मॉल में ही डालेंगे, अगर आप यहाँ कैपिटल में डाल रहे हैं वहाँ आप स्मॉल में डालेंगे तो आपकी कंपनी ओपन नहीं होगी। ओपन सब होगी जब आपने यहाँ भी कैपिटल डाला है वहाँ भी आप कैपिटल डाल के उसे ओपन करेंगे। अपन ने डाल दिया ICICI, एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं सेम पासवर्ड भी डाल सकते हैं जो आपने वॉल्ट पासवर्ड में दिया है,
सेम वो भी।